नमस्कार, मैं पूजा गौर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। विज्ञान एक गतिशील विषय है। यहाँ इतिहास या भूगोल की तरह कुछ भी स्थायी नहीं है। गतिशीलता ही इसकी प्रकृति है, लेकिन इस गतिशीलता को बरकरार रखना सरल नहीं है। इस गतिशीलता को बनाए रखने के लिए अनेक वैज्ञानिक कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात सुबह शाम प्रयोगशालाओं में समय व्यतीत करते हैं। आज इसी परिश्रम का प्रतिफल स्वीडन वैज्ञानिक स्वाते पैबो को मिला है। दरअसल स्वाते पैबो को नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि पैबो को इंसानों और विलुप्त हो चुकी प्रजाति जीनोम पर रिसर्च करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। चलिए आगे की रिपोर्ट में पैबो के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्वाते पैबो का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। उनकी माँ का नाम एस्टोनिया है, जो कि पेशे से केमिस्ट कैरिन थी। उनके पिता पेशे से बायोकेमिस्ट थे। साल 1982 में उनके पिता को भी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उधर अगर स्वाते पैबो की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1986 में उन्होंने उपासला यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने E9 प्रोटीन से जुड़ा शोध किया था, जो काफी सरल रहा था। बता दें कि पैबो पेलियोजेनेटिक्स के प्रेरिता माने जाते हैं। पेलियोजेनेटिक्स का मतलब प्राचीन जीवों का अध्ययन और उनसे जुड़े अवशेषों को संरक्षित करके जुड़ा हुआ रखना है। पैबो ने इंसानों की शुरुआती प्रजातियों और मौजूदा इंसानों के जेनेटिक्स पर रिसर्च की है और इसके बीच के संबंधों को खोजने का काम भी किया है। 1997 में पहली बार पैबो ने और उनके साथियों ने मिलकर नी एंड थल्स यानी मनुष्यों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक के डीएनए पर सफलतापूर्वक सिक्वेंसिंग की थी। बता दें कि पैबो ने शुरू से ही मानवीय गतिविधियों के अध्ययन करने में भी अभिरुचि दिखाई थी। साल 2007 के टाइम्स मैगजीन में उन्हें 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार किया गया था, जिसके बाद लोगों की दिलचस्पी उनसे जुड़े अध्ययन सामग्रियों का अध्ययन करने में बढ़ी। बहरहाल, वीडियो देखने के बाद आपके जहन में क्या राय आती है, आप हमारे साथ शेयर करने में तनक भी गुरेज ना करिए। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।